भगवान बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग एवं विपासना। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। भगवान गौतम बुद्ध का कथन है। भगवान महात्मा बुद्ध के सिद्धांत एवं उनका जीवन मानवता के लिए एक वरदान है। उनका मध्यम अष्टांग मार्ग अपने दैनिक जीवन में उतार कर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सफल एवं पूर्ण कर सकता है। उनके विचार मानव मात्र के लिए भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल तीनों कालों में शाश्वत, सार्वभौमिक तथा अत्यंत उपयोगी है। भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के समय प्रथम 5 भिक्षुओं से कहा, मित्रों, धर्म पथ के अनुगामी को अतियों से बचना चाहिए। एक छोर तो विषय वासना में अकंठ डूबने का है और दूसरों छोर तपस्याचर्या के द्वारा शरीर को कष्ट देने या मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित करने का है। उन दोनों अतियों से अंत में जो विफलता की हाथ लगती है, जो मार्ग मैंने खोजा है वह मार्ग मध्य मार्ग मध्य मार्ग है, जिसमें दोनों प्रकार की अतियों के लिए कोई स्थान नहीं। और यह मार्ग ज्ञान मार्ग मुक्ति और शांति के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखता है। यह पवित्र अष्टांगिक मार्ग है जिसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, विचार, वाणी, कर्म, जीवन यापन, प्रयास, चेतना एवं सम्यक एकाग्रता संभव होती है। मैंने इस पावन अष्टांगिक मार्ग को अपनाया है और ज्ञान, मुक्ति और शांति की अनुभूति की है। भाइयों, इस मार्ग को मैंने इसलिए सम्यक मार्ग कहता हूँ क्योंकि इसमें न तो कष्टों से बचा जाता है और न उसको अस्वीकार किया जाता है, बल्कि कष्टों को सीधे सामना किया जाता है ताकि उनसे उबरा जा सके। पवित्र अष्टांगिक मार्ग सचेतता अवस्था में जीने का मार्ग है। सतत सचेतना अवस्था इसकी आधारशिला है। सचेता नावास अवस्था का अभ्यास करने से चित्त में इतनी एकाग्रता आ जाती है कि इससे ज्ञान प्रज्ञा की प्राप्ति की जाती है। सम्यक एकाग्रता से चेतना विचारों, वाणी, कर्म, जीवन यापन और प्रयास की सम्यकता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे कष्टों के हर बंधन से मुक्ति मिलती है और सम्यक शांति और आनंद का उदय होता है। 4 आर्य सम्यक सत्य है। दुखों की विद्यमानता, दुखों का मूल, दुखों का अंत और दुखों के नाश का उपाय और मार्ग। पहला आर्य सत्य है, दुख क्या है? जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा आ जाना दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, अप्रिय चीज़ों से संयोग दुख है, प्रिय चीज़ों से वियोग दुख है, मन चाहा ना होना दुख है, अनचाहा होना दुख है। संक्षेप में 5 स्कंधों, 5 तत्व से उपादान, अतिशय तृष्णा का होना दुख का कारण है। शोक, द्वेष, उद्वेग, भय, निराशा, प्रियजन का वियोग, अप्रियजनों से मिलने भी दुख है। कामनाएं, मोह, ममता और जिन 5 स्कंदों से जीवधारियों का निर्माण हुआ है वे सभी दुखमय है। दूसरा है आर्य सत्य। इस दुख का मूल कारण है
राग के कारण पुनर्भव अर्थात पुनर्जन्म होता है, जिससे इस और उस जन्म के प्रति अतिशय लगाव उत्पन्न होता है। यह लगाव काम तृष्णा के प्रति होता है और विभव तृष्णा के प्रति होता है। दुख का मूल कारण है अज्ञान और लोगों द्वारा जीवन विषयक सत्य का दर्शन न कर पाना। संसारिक वस्तुओं को तृष्णा, क्रोध, द्वेष, दुख, चिंता, भय और निराशा की आग में जीवधारी झुलसते रहते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत। इस तृष्णा को जड़ से पूर्णतः उखाड़ देने से इस दुख का जड़ से निरोध हो जाता है। जीवन मरण का, जीवन के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाने, मैं आत्मा हूँ पर प्रत्येक दुख एवं सुख का अंत हो जाता है और इससे शांति और आनंद का उदय होता है मैं अजर, अमर, अविनाशी, शाश्वत, साक्षी, दृष्टा, सच्चिदानंद हूँ का ज्ञान होना ही दुखों का अंत है। चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग। इस दुख को जड़ से समाप्त किया जाता है और जिसके लिए तथागत ने 8 अंगों वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग खोजा निकाला है वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। दुखों के नाश का उपाय एक मार्ग है, सचेतनावस्था का सतत अनुसरण करने से इस अष्टांगिक मार्ग का पोषण होता है। सतत सचेतनावस्था के फलस्वरूप चित्त की एकाग्रता एवं ज्ञान प्राप्ति संभव होती है, जिससे आपको प्रत्येक दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है और शांति एवं आनंद की अनुभूति होती है। पवित्र अष्टांगिक मार्ग सभी दुखों से वर्तमान जीवन में ही मुक्ति पाने के लिए तथा इसी जीवन में वास्तविक सुख शांति को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने यह आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया है। इन मार्गों का स्वयं अनुभव कर जानना आवश्यक है। इसके 8 अंग इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन। यहाँ दर्शन शब्द का सही जो बात जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही उसके गुण धर्म स्वभाव में देखना अर्थात अनुभव से जानना है। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। संकल्प अर्थात चिंतन, मनन। हमारा संकल्प, हमारी सोच सही व सकारात्मक होनी चाहिए। और तीसरा है सम्यक वचन। हमारी वाणी सम्यक हो अर्थात मधुर बोले, सत्यवादी हो, वाणी मृदु हो और संयमित हो। चौथा है सम्यक कर्म। मन, वचन और शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्यक रहें अर्थात ठीक रहे। पांचवा है सम्यक आजीविका। हमारी आजीविका का रास्ता सम्यक अर्थात सही होना चाहिए। आजीविका के साधन में किसी व्यक्ति को हानि नहीं होना चाहिए। और छठवां है सम्यक व्यायाम। मन की कमजोरी दूर करने के लिए, उसके विकार को दूर करने के लिए मन का व्यायाम आवश्यक है। मन का स्वयं परीक्षण करें।
और सातवां है सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ है वर्तमान क्षण में शरीर में होने वाले संवेदनाओं के प्रति सजगता व जागरूकता होना। और अंतिम सम्यक समाधि, कुशल चित और निर्मल चित की एकाग्रता को ही सम्यक समाधि कहते हैं। विपश्यना साधना द्वारा सम्यक समाधि का योग्य अभ्यास किया जा सकता है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग सभी दुखों से मुक्ति पाने व वास्तविक सुख शांति से जीवन जीने का अनमोल रास्ता है। यह वर्तमान जीवन में ही निर्वाण का साक्षात्कार करा सकता है। जो परिव्रजित है उन्हें दो अपअतियों से बचना चाहिए। पहली अति है काम भोगों में लिप्त रहने वाले जीवन की, यह कमजोर बनाने वाला है, गंवारू है, तुच्छ है और किसी काम का नहीं है। दूसरी अति है आत्मपीड़ा प्रधान जीवन की, जो कि दुख होता है, व्यर्थ होता है और बेकार होता है। इन दोनों अतियों से बचे रहकर ही तथागत ने पवित्र मध्यम मार्ग का आविष्कार किया है। गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को देशना देते हुए कहा कि सभी धर्म दग्ध है, जल क्या रहा है। छह ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा, शरीर और चित्त सभी दग्ध है। इन इंद्रियों के विषय रूप ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श, मन के संकल्प विकल्प सभी दग्ध हैं। इन छह गुण धर्म, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद, भावनाएं और विचार भी दग्ध हो रहे हैं। ये सब इच्छाएं, घृणा और भ्रम की लपटों के कारण दग्ध हो रहे हैं। सब जन्म जरा रोग एवं मरण और कष्टों और उद्योगों, हताशा, चिंता, भय और निराशा की ज्वाला से दग्ध है। बुद्ध ने बताया है कि प्रत्येक वस्तु सारा सारहीन और असत्य है। उन्होंने कहा कि पंच स्कंद सतत प्रवाहमन पांच सरिताओं के समान है, जिनमें पृथक अस्तित्ववान अथवा अस्थाई नित्य कुछ भी नहीं है। ये पंच स्कंद हैं शरीर, कामनाएं, संकल्पनाएं, अवधारणाएं एवं भावबोध। इन स्कंदों पर ध्यान करने से इनका परस्पर और सृष्टि के साथ घनिष्ठ एवं अद्भुत संबंध दिखने लगता है। यह जीवन तो आधी व्याधियों से भरा है, किंतु इस जीवन में बहुत ही अद्भुतताएं भी है। यदि कामनाओं को त्याग कर सादगी और पूर्णता के साथ जीवन व्यतीत करो तो तुम जीवन के अनेक अद्भुतताओं का अनुभव कर सकते हो। चंद्रमा, तारागण, सरिताएं, पर्वत, सूर्य का प्रकाश, चिड़ियों का गान, झरनों के गिरने की मधुर ध्वनि, यह सब सृष्टि का ऐसा प्रारूप है जो हमें अनंत आनंद प्रदान करता है और जिससे हमारा चित्त और शरीर दोनों पुष्ट होते हैं। गौतम बुद्ध ने पहला वर्षावास भिक्खु संघ के कार्य साथ सारनाथ में बिताया। वर्षावास के समाप्त होने के पर भिक्खु संघ को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्मानम मा एकेन देवे अगिमित्थम। अर्थात हे भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर अनुकंपा करके समस्त विश्व का कल्याण के लिए,
लोगों के सुख के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, लोगों को सुख और लाभ के लिए सभी दिशाओं में जाओ और लोगों को धर्म सिखाओ। स्वयं भी इस पवित्र धर्म की साधना करते रहो और लोगों को धर्म मार्ग पर चलने की शिक्षा दीजिए, जो आदि से अंत तक कल्याणकारी हैं। वैधम्मा सखाराम अपमा दीन संपातीत। भिक्षुओं सुनो, सारे संसार व्यज्ञ धर्म है, मरण धर्म है, नष्ट धर्म है। जितनी भी संस्कृति यानी बनी हुई वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, घटनाएं हैं, स्थितियां हैं, वे सब नश्वर हैं, भंगुर हैं, मरणशील हैं, परिवर्तनशील है। यही प्रकृति का कठोर सत्य है। परमात से बचते हुए, अलस्य से दूर रहते हुए, सतत सचेत और जागरूक रहते हुए प्रकृति के इस सत्य का संपादन करते रहो। इस सत्य में स्थित रहकर अपना कल्याण साधते रहो। यह अंतिम उपदेश देकर वैशाख पूर्णिमा की रात के तीसरे पहर में 483वीं ईसा पूर्व को तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान बुद्ध का धम्म एक आविष्कार है, एक खोज है, क्योंकि पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उनके गंभीर अध्ययन का परिणाम है, और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म बना दिया है और जो अब उसके विनाश का कारण बने हुई है। बुद्ध का धम्म दुखवादी है, और अगर सभी निर्वाण प्राप्ति में लग जाएंगे तो भौतिक उन्नति नहीं होगी, लोग मेहनत नहीं करेंगे इत्यादि इत्यादि, यह मिथ्या परक बातें हैं। वास्तविकता यह है कि बुद्ध के उपदेशों का उद्देश्य मानवीय चेतना को सुधारना और परिष्कृत करना था। दुख और कलेश से तड़पते मानव जीवन को सुख और शांति का मार्ग दिखाना था। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे, अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है। हमें अपने स्वयं श्रम से तरना होता है, मुक्ति होना होता है। कोई तथागत बड़े प्यार से मार्ग आख्यात करता है, मार्ग निर्देशन करता है, रास्ते पर चलते हुए मुक्त स्वयं होना पड़ता है। भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने विश्व को दिखाया कि वे स्वयं भी अन्य लोगों की ही तरह एक गृहस्थ थे। वे कहीं से अवतरित नहीं हुए थे। उनका जन्म, विवाह, गृहस्थ जीवन सामान्य और प्राकृतिक था। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति भी अपनी मेहनत, त्याग और दृढ़ निश्चय से ऊंच से उच्चतम अवस्था को पहुंच सकता है। तुम्हें ही कीचताम अखतारो तथागता धम्मपद 276 अर्थात मैं तो मार्ग आख्यात करता हूँ। तुम्हारी मुक्ति के लिए तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मुक्ति के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि।